हाय गाइस, वेलकम टू चैनल ऑन ट्यूटर्स कोचिंग। आज से कुछ दिन बाद देखिए आईसीए बोर्ड के बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके इकोनॉमिक्स का पेपर आप कैसे रिवाइज करें और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बताऊंगा जिसमें श्योर शॉट आपके 100 में एटलीस्ट 70 के ऊपर आएंगे ही आएंगे। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को रिवाइज करिए। और आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो भी अगर आप इन 9 चैप्टर्स को अच्छे से याद कर लेंगे, मगअप कर लेंगे, तो आई प्रॉमिस कि आपके 100 में एटलीस्ट 70 के ऊपर तो श्योर शॉट आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। सबसे पहले काम क्या करिए कि इस टाइम पे जितने बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है या पढ़ाई नहीं की है, सबसे पहले आपके पास एक सैंपल पेपर होना चाहिए, उस पर का सैंपल पेपर लीजिए। सैंपल पेपर अगर आपका नहीं है तो अपनी बुक में आप देखेंगे जो आपकी फ्रैंक की बुक चलती है उसके लास्ट में भी आपको 3 से 4 साल के पेपर्स मिल जाएंगे, जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं पूरे 100 पेपर आपको मिलेंगे। आप क्या करिए उनको रीड करना स्टार्ट करिए पूरा पूरा पेपर, उसमें आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से याद कर लेंगे तो भी देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल आपके रिपीट होते हैं, और यो मैं आपको आपके 9 चैप्टर बताने वाला हूं, फिर आप उस पर फोकस करेंगे कि मुझे जब रिवाइज करना है तो सबसे पहले मुझे इन 9 चैप्टर्स को पढ़ना है। इनको देखिए फुल मार्क्स लाने उनको तो सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, मगर वो भी अगर पहले इन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको यह श्योरिटी हो जाएगी कि यार मेरे अब अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये 9 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर साल आते ही आते हैं, बाकी कुछ चैप्टर्स होंगे उनके आने चांसेस कम हो जाती हैं या शॉर्ट में आ जाएगा, मगर ये कुछ ऐसे 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके 5 से 6 मार्क्स का एग्जाम में हर साल आता ही आता है। देखिए सबसे पहले चैप्टर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका हर साल आता है, और इसमें कुछ टॉपिक्स में जो बताने वाला हूं उसको प्लीज कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से आपके 4 चैप्टर 6 मार्क्स के लेवल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके 6 मार्क्स के लेवल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस और भी इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कि MRS बताइए क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपको मैं 6 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पढ़िए, और फिर ये जो भी शॉर्ट में आपके आने वाले इसको भी रीड कर सकते हैं, मगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिए चैप्टर आपका डिमांड, ये तो टीचर्स ने भी आपको रटा दिया होगा, सबसे सिंपल चैप्टर है कुछ जिसमें बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डिमांड कर्व फ्लोज डाउनवर्ड, आपके एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गए एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर के आने ही आने, बाकी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स बताइए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ बताइए क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसमें कुछ ग्राफ व्राफ भी आपका आता है वो पढ़ लीजिएगा, मगर 2 क्वेश्चन बिल्कुल रट डालिएगा, व्हाई डिमांड कर्व फ्लोस डाउनवर्ड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये आपका श्योर शॉट होता है कि 6 मार्क्स के लेवल का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले इसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको माइक्रो सेक्शन में इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिए कि न्यूमेरिकल्स भी इसके 4 मार्क्स के बिल्कुल फिक्स होते हैं कि आना ही आना आपको 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल। थ्योरी में कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा सकते हैं कि मेथड बताइए क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स में चाहे डिमांड चैप्टर की आप बात करें या इलास्टिसिटी डिमांड की, इन दोनों में फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपका 6 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स्ड है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें आपको टीपी एमपी की शेड्यूल टीचर ने बताया होगा, रिलेशनशिप होती है, पूरा आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसका फिक्स्ड है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप 10 इयर्स में देख सकते हैं, लास्ट ईयर पेपर्स में देख सकते हैं, अगर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपकी ये क्वेश्चन आपका श्योर शॉट आना ही आना है, कि इस चैप्टर में आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ज्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको मिलेगा, टीपी एमपी की रिलेशनशिप, ये अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए मनी एंड बैंकिंग, दोनों को कह सकते हैं भाई भाई हैं। मनी में आपके देखिए फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, एंड मनी सप्लाई क्या होता है, ये 2 ही इसमें क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा अगर आ गया तो आपसे ड्रॉबैक्स और मनी पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए जो बैंकिंग चैप्टर है इसमें आपका 6 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से इसमें याद कर लीजिएगा, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल आप कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव फंक्शन एंड क्वांटिटेटिव फंक्शन, ये आपके 2 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चन हैं। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो देखिए मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट तो बता रहा हूँ, मगर आपको वो चैप्टर पूरा अच्छे से रीड करना है, पूरा मुझे चैप्टर अच्छे से आना चाहिए 1 to 1। लॉन्ग में आपको जो बता रहा हूँ उसको फोकस कर लीजिए, प्लस शॉर्ट में आपकी कोई भी चीज उसमें से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए आपका नेशनल इनकम, इसमें देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करिए। न्यूमेरिकल्स भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैक्रो सेक्शन में, मैक्रो इकोनॉमी सेक्शन है, उसमें आपको पूरे इसमें थ्योरी भी मिल जाएगी, प्लस के न्यूमेरिकल्स फोकस कर लीजिए, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चों का अभी तक डर होगा नेशनल इनकम मुझे नहीं आता, कितना टफ क्वेश्चन आएगा, नहीं, नेशनल इनकम का अगर आपको देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस भी आता है तो आप आराम से उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैंने 3 उसमें मेथड बताए हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, उन वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला डिटेल बताई है, और आई प्रॉमिस कि आपको बहुत इजी लगेगा न्यूमेरिकल्स, ये 6 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, बहुत लेंदी या टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी बात हो गई इसकी थ्योरी की, तो थ्योरी तो देखिए इसमें 3 चैप्टर्स मिला के, मगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिसके आने की चांसेस होंगी, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है सर्कुलर फ्लो इन केस ऑफ 2 सेक्टर 3 सेक्टर, ये आपको पढ़ना है। जीडीपी वेलफेयर, इसको अच्छे से पढ़ेगा कि जीडीपी वेलफेयर आपका क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए आपको शॉर्ट में ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, इन सबके बीच में डिफरेंसेज है। ये सारी चीजें भी आपको मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो से मिल जाएंगी, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, मगर पहले फोकस किस पे करना है, मुझे न्यूमेरिकल पे, कि मुझे 6 मार्क्स बिल्कुल अपने पक्के कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट बजट एक चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें से 3 ही टॉपिक्स आपके हैं, एक पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए, दूसरा पार्ट इसका होता है कि बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं इसके बारे में, और तीसरा इसका पार्ट होता है कि डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड है और आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि लॉन्ग में भी आ सकता है ये एंड शॉर्ट में भी आ सकता है। और नेक्स्ट देखिए चैप्टर आपका है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें सिर्फ आपको 4 मार्केट के बारे में फीचर्स दिए हैं कि बताइए परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, इन सब के फीचर्स, और इसमें शॉर्ट शॉर्ट कुछ पॉइंट्स दिए, उसको आप अच्छे से मगअप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने अगर ये 9 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ ली, 9 प्लस नेशनल इनकम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके 2 चैप्टर और एड हो जाएंगे, तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स हो जाएंगे। इनको सबसे पहले पढ़िए, जिसको आपको 100 का टारगेट है उनको भी सबसे पहले 9 चैप्टर्स फोकस करिए। देखिए ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके हर साल आते हैं, प्लस 6 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं इसको अच्छे से देखिए, प्लस आप 10 ईयर्स के पेपर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल पेपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डिमांड, प्रोडक्ट फंक्शन, मनी, बैंकिंग, 6 मार्क्स के आपको फिक्स क्वेश्चन है। बाकी जो चैप्टर्स आपके कॉस्ट, मैं ये नहीं कह रहा उसको नहीं पढ़ना है, मगर उसको आप बाद में पढ़िए, पहले आप इन 9 चैप्टर्स को देखिए, अगर आपको 9 चैप्टर्स आते हैं तब बाकी और चैप्टर्स में कॉस्ट चैप्टर आपका हो गया, और जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उससे भी आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मगर सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करिए जो आपके थोड़े इजी भी हैं, जिसमें ग्राफ और आपका फंडा कम है, आपको समझना कम है, आपको सब याद करना और आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, या और भी कोई अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो मुझे आप प्लीज कमेंट बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा बुक का तो आप मुझसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कितना लिखना है, कितने मार्क्स में, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लस पेपर में क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, ग्राफ बनाना है, कितना लिखना है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो इसकी वीडियो भी आपको आज या कल में एक और मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, जिन लोग अभी तक इकोनॉमिक्स में फेल हो रहे हैं, साल भर पास नहीं हो पा रहे, उनसे कहिए सिर्फ ये 9 चैप्टर्स पढ़ लें, अपने पास आगे पेपर्स देख लें, उससे उनको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर उन्होंने उतना भी कर लिया तो आई प्रॉमिस कि आपके बोर्ड में 70 क्रॉस कर जाएंगे आपकी, और बाकी जो 100 का टारगेट देखते हैं उनको भी इन चैप्टर्स से और इन टॉपिक से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।